गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्राफ्ट में बटरफ्लाई सीखा था। बहुत कम लोगों के मेरे पास क्राफ्ट और ड्राइंग आ रहा है। मैं यहाँ पे सबके नाम ग्रेड के साथ नोट कर रही हूँ। जिसका रेगुलर काम नहीं आ रहा है, सबमिशन नहीं हो रहा है, उसका 100% मैं एग्ज़ाम में ग्रेड कम कर दूँगी, क्योंकि रेगुलर काम नहीं किया होता है उसको एग्ज़ाम में भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें। टॉपिक नंबर इज 4, यहाँ पे आज की डेट और टॉपिक नेम इज बोट। हमें A4 साइज़ का पेपर लेना है। मैंने A4 साइज़ का ये पेपर है। ओके, मैंने क्या किया, A4 साइज़ का पेपर को बीच में से ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड किया और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से ऐसे क्रीज बनाई और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट इसका काट दिया। ओके, अब ये हमारा स्क्वायर बन गया है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो मिडल वाला जो पॉइंट है उसको ये कॉर्नर पकड़ के पॉइंट के अंदर लाना है, ऐसे 4 साइड से करना है। ओके, अब उल्टा, अब इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, उसको उल्टा करो। अब ये वापस मिडल वाला पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से ये कॉर्नर को वापस उसको फोल्ड करो। ओके, और चारों तरफ से हमें ऐसे फोल्ड करना है। ओके, अब अगेन बैक साइड। ये हमारा टिकटॉक, आप टिकटॉक बनाते हो ना, ऐसा कुछ होता है, मुझे टिकटॉक का पता नहीं है, तो वैसा ही बनाना है। अगेन फोल्ड, ओके, यानी कि हमने 3 बार बैक साइड, अगेन बैक साइड एंड अगेन बैक साइड हमने फोल्ड किया। ओके, अब अगेन बैक साइड पर यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है आपको। ये जो हमारा ये पार्ट बना उसमें से आमने सामने वाला कोई भी 2 पार्ट आपको ऐसे उंगली डाल के ऐसे ओपन करना है, फिर यहाँ से ऐसे पुश करना है। तो ये पार्ट ओपन हो गया। अब उसके सामने सेम ऐसे ही, ओके, और ये जो पार्ट है उसको ओपन नहीं करना है, ओनली अंदर थंब डाल के ऐसे खींचना है, तो अपने आप ये दोनों पार्ट नज़दीक आ जाएंगे और ये ऐसे पुश कर देना है। ये हमारी बोट रेडी है। अब आपको ये बोट बुक में चिपकानी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टॉपिक नेम लिख दिया है, यहाँ पे आज की डेट डालनी है। अब यहाँ के पानी के वेव्स दिखाने हैं। ओके, मैं सीधा स्केच पेन से कर रही हूँ, आपको नहीं फाये तो सीधा स्केच पेन से मत करना, आप क्रेयन से भी कर सकते हो, स्केच पेन से भी कर सकते हो। मैं स्केच पेन से कर रही हूँ क्योंकि क्राफ्ट है, उसमें हम स्केच पेन यूज कर सकते हैं। ओके, ये पानी के वेव्स हमारे बन गए। हम अब इसमें कलर फिल करेंगे, लाइट ब्लू कलर। पानी का कलर हम वैसे ट्रांसपेरेंट होता है पर ड्राइंग में हम हमेशा लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं। ये आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी
बोट बनाई थी, पर वो सिंपल वाली बनाई थी, ये स्टीमर जैसी होती है, जो बड़ी बोट होती है ना, जहाँ रहने के लिए कमरा भी होता है, खाने के लिए फूड भी मिल जाता है, वैसी बोट को हम स्टीमर बोलते हैं। और वो सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने जो सीखी थी उसको हम नाव बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में उसको बोट भी बोल रहे हैं, यार्ड भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ऐसे लाइट हीप करना है, स्लिपिंग कलर करके, ऐसे स्टैंडिंग में नहीं करना है, कलर को ऐसे पकड़ के कलर फिल करना है। ओके, अब ऊपर हम स्काई का कलर करेंगे, वो भी स्लिपिंग में करेंगे। उससे पहले हम ब्लैक स्केच पेन से बर्ड बनाएंगे, ओके। आप अपने हिसाब से कितने भी बर्ड बना सकते हो, पर दिखने में अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बर्ड्स बना देंगे तो भी कई बार दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम बनाएंगे तो भी दिखने में अच्छा नहीं लगे, कोई भी चीज़ लिमिटेड में अच्छी लगती है ना। हम बर्ड का एक लाइन में, जैसे कभी कई बार ऐसे होते हैं कई बर्ड की लाइन में ही उड़ते हैं, तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लाइन में ऐसे बर्ड, ये भी कर सकते हो। ओके, मैंने अलग अलग जगह पे किया है, आपको या लाइन में करना है या अलग अलग जगह पे करना है। ओके, ये हमारा स्काई कंप्लीट हो गया। हमने जो बोट बनाई है उसको फेविकॉल से हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि बोट में से जैसे धुआं निकल रहा हो वैसा भी हम दिखा सकते हैं। देखो, मैं दिखा रही हूँ कि डार्क ग्रे कलर का धुआं होता है या ब्लैक कलर का धुआं होता है, पर ब्लैक दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देखो, ये मैंने धुआं भी बनाया है, उसमें मैं ग्रे कलर ऐसे फील कर रही हूँ। अब ये कंपल्सरी नहीं है धुआं आपको दिखाना, ओके। आपको बोट बना है वो क्राफ्ट में मेन है, जिसकी बोट अच्छी होगी उसका ग्रेड ज़्यादा मिलेगा। ओके, आपको ऐसे ही बना के मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करना है। बाय।